मैं एसके गुप्ता एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से आपका यूट्यूब चैनल और ऐप में स्वागत करते हैं। पूरा देश हमारा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, हम लोग सभी आजादी की खुशियां मना रहे हैं, सारे स्टूडेंट सारे बच्चे सभी जो है आजादी की खुशियां मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं, हमने भी मनाया है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एसके जी ज्ञान ज्योति की ओर से। लेकिन स्टूडेंट्स, थोड़ा सोचने की बात है, आजादी आजादी हमारा देश जो है आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स, आजादी का सही मतलब, आप जो अभी बीए बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, 18 से 22 वर्ष के उम्र में हैं, तो आजादी का सही मतलब क्या होता है, आज की वीडियो में हम आपको कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे। इसीलिए हम इस टॉपिक को शुरू करें कि छात्र के लिए आजादी का मतलब क्या होता है। आप वीडियो को पूरा देखना चाहें तो ही पूरा देखेंगे, तो अभी ही वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी आजादी का सही मतलब समझ सकें। स्टूडेंट्स, आप बचपन से 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं, और इसका मतलब होता है देश की आजादी के लिए खुशी मनाना, क्योंकि आज हम आजाद हैं। किस लिए आजाद हैं? कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है, अपने विचारों को रखने के लिए, इसी को तो आजादी कहते हैं। गुलाम में क्या होता है, हम अपने विचारों की स्वतंत्रता को नहीं रख सकते। स्टूडेंट्स, आज आप जिस एजुकेशन लेवल पर हैं, जिस प्रकार का आप एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, उस एजुकेशन से क्या आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार आप परीक्षाएं दे रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं, ठीक है, उस एजुकेशन से क्या आपको लगता है कि आप जिस विषय पर पढ़ाई कर रहे हैं, उस विषय पर आप अपनी विचारों को स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं? स्वतंत्र रूप से विचारों को रखने के लिए क्या करना होगा? उस विषय के अंदर जाना होगा। लेकिन आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उसमें आप उस विषय के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि बचपन से हमें स्कूल में सिखाया जाता है, एक लेसन को पढ़ाया जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने जीवन को, स्कूल की शिक्षा को खत्म करके स्टूडेंट्स कहाँ लेके आते हैं, कॉलेज की शिक्षा में, तो हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजों में जो है आज क्लासेस नहीं है। आप बातों से सहमत हैं तो यस जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप परीक्षाएं दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, प्रैक्टिकल, आज जिस स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल होता है, आज शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो चुकी है, प्रैक्टिकल के नाम पर खाना पूर्ति होता है, तो आप प्रैक्टिकल के बारे में अपने विचार कहाँ रख पाएंगे, स्वतंत्रता कहाँ रख पाएंगे? आज जो परीक्षा की पद्धति है, पढ़ाई की पद्धति है, उच्च शिक्षा में इस पद्धति से आप कितना ऊपर जा पाए? आज का टॉपिक है स्वतंत्रता का मतलब क्या। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उस पर हम एक नया विचार ला सकें, रख सकें। स्वतंत्रता का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता। दूसरा, स्टूडेंट्स को सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, एमए कर लेंगे, उसके बाद कंपटीशन की परीक्षा देंगे, उसके बाद नौकरी मिलेगा। हर स्टूडेंट्स का सपना है हम टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी क्या कर रहे हैं, बीए बीएससी के साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं कि नहीं, अपना इम्पोर्टेंट समय दे रहे हैं। और बहुत स्टूडेंट्स यूं ही बीए बीएससी कर रहे हैं, सिर्फ सपनों को देखते हुए। तो आज 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, ठीक है, तो अपने आप को आजाद कीजिए। किससे आजाद किया? बात पूछते हैं स्टूडेंट्स, आप जो दिन भर 24 घंटे का, एक दिन 24 घंटे का होता है दिन भर, उसको कहां उपयोग करते हैं?
आप एक बात तो मानते होंगे कि हवाई जहाज जो है वो इसी से बना है। एक जो आप मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं इस दिमाग से ही बना है, भले कागज पर बना फिर कहाँ बनता है, रियल में बनता है। तो आपको भी जो है सोचना होगा कि अगर 4 इंची का दिमाग से हवाई जहाज बन सकता है, वह दिमाग मुझे ईश्वर ने ही दिया है, ठीक है, इस सृष्टि ने ही दिया है। जब हमने जन्म लिया ये दिमाग मुझे मिला, हमने 17, 18, 19 साल तक ये दिमाग हमारा कच्चा रहता है, पकता है, नए नए चीजों को सीखता है, लेकिन 19 के बाद जिस पड़ाव में है आप, इस दिमाग को सही दिशा देने की जरूरत है। सही दिशा क्या हो, सही दिशा क्या हो, आप एक बात पर विश्वास करते हैं, एनर्जी पावर, हर इंसान के अंदर एनर्जी है, तभी वह सोच सकता है, चल सकता है, खा सकता है, बोल सकता है, नए नए तरीकों को सोच सकता है। तो हम अपने माइंड के एनर्जी को दिन भर कहां लगाते हैं, किन कामों में लगाते हैं, किन कामों में लगाते हैं, ये मायने रखता है। अगर आपके सपने हैं टीचर बनना, सैनिक बनना, वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बनना, कुछ भी बनना, वो सपने हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या आपने माइंड को वहां पर इन्वेस्ट किया है, अपने एनर्जी को वहां इन्वेस्ट किया है? क्या 24 घंटे में आप 8 घंटे 10 घंटे अपने सपनों को पूरा करने में लगाते हैं? ये अपने माइंड को सुकून किया जाती है, माइंड में घास फूस कचरा 3 बार 24 घंटा का आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा। आप कल बैठ कर के आप जो 3 घंटा का 7 दिन का बनाइएगा कि 7 दिन का आपने 24 घंटा माइंड को कहां इन्वेस्ट होता है हमारा माइंड? दोस्तों के पीछे, गर्लफ्रेंड के पीछे, व्हाट्सएप चैट के पीछे, यूट्यूब के पीछे, इंस्टाग्राम के पीछे, बाइक राइडिंग के पीछे, बाल कटवाने के पीछे, मूवी के पीछे। इससे क्या हम अपने विचारों को स्वतंत्र कर पा रहे हैं? हमको दिमाग को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अगर आप कुछ रचना करना चाहते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मम्मी पापा किसी का भी, अगर सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपना एक खुशहाल जिंदगी देखना चाहते हैं, तो सारा खेल इस माइंड का है। इसको आपको इन्वेस्ट करने सीखना होगा। ये माइंड कल क्या होगा आप ही नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, लेकिन एक मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होना चाहिए आपके स्टूडेंट लाइफ का। और आप दिन भर में देखिए कि 24 घंटे में आप जो है आपका जो माइंड है, जिससे हवाई जहाज बन सकता है, जिससे बड़े बड़े रेलगाड़ी बन सकती है, जिससे जो है एक छोटा सा छोटा माइक्रोस्कोप बन सकता है, इसी दिमाग से बनता है। इसको आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? आज आजादी के दिन है, इस दिमाग को जरूर आजाद कीजिए। आप लिखिए, उसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपने कितना अनमोल समय गुजार दिया। अब आपका बीए बीएससी का आप जिस भी सेमेस्टर में हो, 3 साल 4 साल जो भी बचा हुआ है, इसको आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी को, अपने माइंड को, तो रिजल्ट भी सही आएगा। क्योंकि सृष्टि का नियम है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप कंटिन्यू ईमानदारी से 24 घंटे में 6 घंटे अपने पढ़ाई को देंगे, अपने सिलेबस को देंगे, ईमानदारी से, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ना नहीं बल्कि सीखना, उस चीज को अपने माइंड को समझाना, समझाने के लिए कोई टीचर की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने गूगल प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, ये दो जो प्लेटफॉर्म है यह इतने सारे नॉलेज है कि आपको कहा नहीं जा सकता। हाल ही में आज से 1 साल पहले एक दो बंदे आए थे, हमने देखा था उनका इंटरव्यू, उसने कहा मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया, कोई भी क्लासेस नहीं ली, बल्कि मैंने गूगल और यूट्यूब के मदद से अपने 4 इंची के दिमाग को इन्वेस्ट करके आईपीएससी का एग्जाम निकाला है, यूपीएससी का एग्जाम निकाला है। तो सोचिए वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं।
इसीलिए इस आज 15 अगस्त का सबसे सटीक मैसेज है, इन्वेस्ट योर माइंड, इन्वेस्ट योर एनर्जी एंड फुलफिल योर ड्रीम। अगर अपने माइंड को आप इन्वेस्ट करेंगे डेली स्टडी में, 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप नई नई बातों को सीखेंगे, आपके लेसन्स के बारे में जो लिखा हुआ है सिलेबस में उसके डीपली में जाएंगे, खोजेंगे। या जब आप किसी चीज को खोजते हैं और जब उसको पा लेते हैं तो उस खोजने और पाने के अनुभव को आप कभी नहीं भूल पाते हैं। अभी आपको बोला जाएगा बेटा जाओ जंगल से जो है ना एक छाती आता है फुटका, आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं, खोज के लाओ। आपके घर से आदेश दे दिया जाएगा, आप जाइएगा जंगल, ठीक है, कोड़िएगा, आपको फुटका मिलेगा बहुत मेहनत के बाद। तो लाइफ में आप कभी नहीं भूलिएगा, यही सिद्धांत आपको पढ़ाई में लगाना है। 6 घंटा 8 घंटा अगर द्वितीय विश्वयुद्ध पढ़ रहे हैं ना, तो द्वितीय विश्वयुद्ध के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो क्लोरोफिल के बारे में, इसको कौन बनाया था, क्या होता है, कैसे होता है, डीपली आपको इसको इन्वेस्ट करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इन्वेस्ट करेगा वही इतिहास रचेगा। डिग्री लेने से आज की 21वीं सदी में कुछ नहीं होने वाला है, वो आपका रद्दी के बराबर है। अगर ज्ञान नहीं है तो रद्दी के बराबर है। इस छोटी सी संदेश के साथ आज के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है, शुभ अवसर के मैसेज को जो है मैं समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक करके जाइएगा और अपने 10 दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कर भला तो होगा। बाय बाय।